السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين। मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ द वे ऑफ सलफिया की जानिब से मुनाकिद इस कोर्स में, इस दर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये जो कोर्स चल रहा था कससुल अंबिया का, ये अल्हम्दुलिल्लाह कई एपिसोड्स इसके मुकम्मल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कई अंबिया इकराम का इसमें तस्करा देख लिया अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्र एहसान से। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बात समझ में आई होगी और आप लोग इंशाल्लाह इन बातों पर अमल भी कर रहे होंगे। अजीज भाइयों और बहनों, हमारा दर्स चल रहा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से और कल के दर्स में हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कुछ बातें देखी थी कि कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश फिरौन ही के महल में की, जो बच्चों को कत्ल कर देता था, बच्चियों को छोड़ देता था। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फ़ैसले के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी ज़ालिम जाबिर फिरौन के महल में की। फिरौन के महल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परवान चढ़े, आप बड़े हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इल्म व हिकमत अता की, आपके हाथ से एक शख्स का कत्ल हो जाता है, कत्ल ख़ता हो जाती है और फिर आप वहाँ से छोड़ करके मदीन चले जाते हैं। और मदीन जाने के बाद वहाँ पर आपके साथ जो वाक़या पेश आता है वो दो लड़कियों का, और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह उनमें से एक से हो जाता है। आप 10 साल मदीन में गुजारते हैं, फिर वहाँ से वापस जो है मिस्र लौटते वक्त जो है आपको रास्ते में अल्लाह रब्बुल आलमीन नबुव्वत अता करता है और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम कलामी का शर्फ़ हासिल होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दो मुअज्जज़ात देता है और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है इज़हबा इला फिरौन इन्नहु तगा, कि तुम लोग फिरौन की तरफ जाओ इसलिए कि वो सरकश हो गया है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सबसे पहले अल्लाह के पास एक उज़्र पेश करते हैं कि हमने उनमें से एक आदमी को कत्ल कर दिया था, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है कि नहीं तुम लोग उधर जाओ, वो तुम पर गालिब नहीं आ पाएंगे। लिहाजा वो दोनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम वहाँ पर जाते हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून जो दावत फिरौन को देते हैं उस दावत का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तफसील से किया, और मैंने आपके सामने कल के दर्स में वो दावत रखी थी कि कैसे कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को दावत दी, कैसे मिसालें दे करके समझाया। और फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन दलाइल के मैदान में शिकस्त खा गया और हार गया, जब उसके पास कोई जवाब नहीं बन पड़ा तो उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को धमकियां देना शुरू कर दी, डराना शुरू कर दिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर डर के ज़रिए से गालिब आने की कोशिश करने लगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ताहा में आयत नंबर 29 से उसका नक्शा खींचा है। अल्लाह ताला ने फरमाया قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين। फिरौन ने हज़रत मूसा से कहा कि अगर तूने मेरे अलावा किसी और को अपना माबूद मान लिया, किसी और को तूने अपना माबूद समझ लिया अगर, तो मैं तुझे कैदियों में डाल दूंगा, मैं तुझे कैद कर लूंगा, कैद व बंद की जो है सऊबतें तुझे बर्दाश्त करनी पड़ेगी। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब ये धमकियां फिरौन ने दी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा قال ولو جئتك بشيء مبين, अगरचे मैं तेरे पास वाज़ह दलाइल लेकर के आ जाऊँ, खुले दलाइल लेकर के आ जाऊँ, तब भी तेरा यही मामला होगा, तब भी तो इसी तरह की बात करेगा। चूंकि वो अना रब्बुकुमुल आमला का दावा करता था ना फिरौन के, मैं तुम्हारा रब हूँ, लिहाजा उसने हजरत मूसा से ये बात कही कि मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम मुझे रब मानो, मेरे अलावा अगर किसी को रब मानोगे तो मैं तुम्हें कैद कर लूंगा। इस पर फिर हजरत मूसा से उसने कहा قال فأتي به إن كنت من الصادقين, लिहाजा आप पेश करो, क्या पेश करना चाहते हो मुझ पर, आप पेश करो अगर आप सच्चे हो। فالله رب العالمين कहता है فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين, तो अल्लाह रब العالمين ने देखो जो एक मुअज्जज़ा दिया था ना लाठी का, लकड़ी का, कि हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अपना वो आसा जमीन पर डाल दिया, अपनी वो लकड़ी जमीन पर डाल दी, लिहाजा वो सांप बन गई, सांप बनकर के फनफनाने लगी। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने दूसरा मुअज्जज़ा भी दिखा दिया وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, और जो है
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दूसरा मुअज्जा दिया था यद बैवा का, कि आपने अपने गिरेबान में हाथ डाला और जब हाथ बाहर निकाला तो हाथ चमकने लगा, ऐसे चमकने लगा, ऐसे चमकने लगा कि देखने वालों की आंखें चौंधिया गईं उस नूर से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के। लिहाजा फिरौन ये देख करके हैरान रह गया और फिरौन ने उसके बावजूद, देखिए इतने वाज़ह दलाइल देखने के बावजूद, मुअज्जा देखने के बावजूद भी उसने इनकार किया। हाँ, और उसने हत्ता के उसने उसको जादू भी कहा, आगे ये बात आएगी। आप यहाँ पर देखिए कैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर हुज्जत तमाम की और उसको समझाया, फिरौन को हर एतबार से समझाया। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ताहा आयत नंबर 49 से 55 के बीच में ये बात नकल की कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के साथ जो मुकालमा हुआ उसमें कैसे बातचीत हुई। हाँ, हज़रत फिरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, قال فما ربكما يا موسى, ऐ मूसा तुम्हारा दोनों का यानी तुम्हारा और तुम्हारे भाई हारून का रब कौन है। देखिए हारून अलैहिस्सलाम का तज़किरा साथ ही साथ चल रहा है, कुरान मजीद में इनका तज़किरा उतना ही है जितना मैं हज़रत मूसा के किस्से में बयान करूँगा, लिहाजा ये हज़रत मूसा और हारून दोनों का तज़किरा चल रहा है। तो अल्लाह तो हज़रत मूसा और हारून मूसा अलैहिस्सलाम से फिरौन ने पूछा, फ़मा रब्बुकुमा या मूसा, कि तुम्हारा और तुम्हारे भाई का रब कौन है ए मूसा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखिए कितने प्यारे अंदाज में जवाब दिया। आयत नंबर 50 में हज़रत मूसा ने फरमाया, قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى, हमारा रब तो वो है, हमारा रब वो है जिसने हर एक चीज को एक खास सूरत में पैदा किया, एक खास शक्ल सूरत में पैदा किया और फिर उसकी रहनुमाई की। हाँ, उसको उसको जो है राह सजा दी। और फिर आगे आयत नंबर 53 में फरमाया, الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى, फरमाया कि उसी ने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया। जमीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। देखिए कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन का तआरुफ करवा रहे हैं, जैसे कि हमने देखा था हजरत इब्राहिम ने भी अपने रब का तआरुफ करवाया था, कितने अच्छे अंदाज में करवाया था कि मेरा रब वो है जो फ़ैदा मरीज तो फ़हुआ यशफीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो वो मुझे शिफा देता है, मुझे खाना देता है, मुझे पीना देता है। कितने प्यारे अंदाज में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपने रब का तारुफ करवाया था। यहाँ हज़रत मूसा अपने रब का तारुफ फिरौन से करवा रहे हैं। कहते हैं सबसे पहले उन्होंने कहा कि अल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खलक़हु सुम्मा हदा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा रब तो वो है जिसने हर चीज़ को एक ख़ास शक्ल व सूरत में पैदा किया और फिर उसकी रहनुमाई की, उसकी राह सजा दी। और आगे फरमाया अल्लज़ी आयत नंबर 53 में, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ध महदन वसलक लकुम फीहा सुबुलन वअनज़ल मिनस समाई माअन फअखरजना बिही अज़वाजन मिन नबातिन शत्ता, फरमाया कि हमारा रब वो है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया और तुम्हारे लिए चलने के, तुम्हारे चलने के लिए रास्ते बनाए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और वही है जो आसमान से पानी बरसाता है और उसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की पैदावार जमीन से उगती है, वो जमीन से मुख्तलिफ किस्म के पैदावार उगाता है। देखिए कितना प्यारे अंदाज में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब का तज़किरा किया, कहा कि मेरा रब तो वो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया जिस पे तुम आसानी से चल सकते हो, जिस पे तुम आसानी से दौड़ सकते हो, अपनी सारी जरूरियात पूरी कर सकते हो। इसी तरह से हमारा रब वो है जिसने आसमान से बारिश बरसाया और फिर उससे मुख्तलिफ किस्म के नबातात उगाए जिससे तुम फ़ायदा उठाते हो। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुलू वरअउ अनआमकुम इन फी ज़ालिकल आयातिल लिउलिन्नुहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम खुद खाओ पियो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से कहा कि तुम खुद खाओ पियो और अपने जानवरों को चराओ, तुम्हारे जानवर इसमें खाए पिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबातात ज़मीन से उगाया है इसमें। और आगे फरमाया कि इसमें अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, अक्लमंदों के लिए इबरत है, वो लोग जो अक्ल रखने वाले हैं, समझ रखने वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए इसमें इबरत और निशानी है, ऐसे लोगों के लिए नहीं जो अक्ल नहीं रखते, जो समझ नहीं रखते। कितने प्यारे अंदाज में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब का तज़किरा किया और फरमाया, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी ज़मीन से हम पैदा किए गए हैं, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी ज़मीन से पैदा किया है, फिर इसी में लौटाएगा और फिर दोबारा तुम्हें इसी ज़मीन से निकालेगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की आज़मत है, ये मेरे रब का तआरुफ है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन है। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतने प्यारे अंदाज में फ़िरौन के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन का तआरुफ पेश किया, लेकिन चूँकि फ़िरौन अना रब्बुकुमुल आला का दावा करने वाला था, कैसे वो बात मान सकता था, कैसे वो अपनी इस्लाह कर सकता था, कैसे वो तौबा कर सकता था, जब अल्लाह ताला, जब तक अल्लाह ताला तौफीक ना दे तौबा की, किसी को तौबा की
की तौफीक मिल ही नहीं सकती, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला कर चुका था उसकी बदबख्ती का, उसकी बगावत का अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला कर चुका था, लिहाजा उसने अपनी बगावत को जारी रखा। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात को जादू करार दिया और कहा कि मैं शहर से और भी जादूगरों को बुलाऊंगा जो तुझ जैसा जादू करके दिखाएंगे ए मूसा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा और फिरौन के दरमियान जो जादू का मुकाबला था उसका तज़किरा सूरह ताहा में करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन आयत नंबर 56 से फरमाया, वलक़द रअयनाहु आयातिना कुल्लहा फकज़्ज़ब व अबा। जब उसने मूसा अलैहि सलाम ने जब उसको निशानियां दिखा दी फिरौन को अपनी, आपने लाठी डाल करके दिखा दिया कि वो सांप बन गया, आपने यदे बैदा दिखा दिया गिरेबान में हाथ डाल करके आपने निकाला तो वो सफ़ेद हो गया, जब निशानियाँ दिखा दी तो उसने इनकार कर दिया, उसने झुटला दिया फिरौन ने। फिरौन का कौल अल्लाह रब्बुल आलमीन नकल करते हुए आयत नंबर 57 में फरमाता है, क़ाला अजीतना लितुखरिजना मिन अर्ज़िना बिसिहरिका या मूसा। फिरौन कहने लगा, ए मूसा तुम ये चाहते हो कि तुम अपने जादू के जरिए से हमें अपने शहर से बाहर निकाल दो, हाँ तुम अपने जादू के ज़रिए से, तुम इस तरह से जादू करके लोगों को हमारे खिलाफ बहका करके तुम ये चाहते हो कि हमें अपने शहर से बाहर निकाल दो। फल यातियन्नक बिसहरिम मिस्लिही फजअल बैनना व बैनक मौईदन ला नुखलिफुहु व नहनु वला अंत मकानन व मकानन सिवा। फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है, ए मूसा याद रखो मैं भी तुम्हारे जैसे जादूगरों को बुला लाऊंगा शहरों से, हाँ तुम्हारे जैसे जादूगरों को मैं भी शहरों से बुला लाऊंगा, और फिर तुम्हारे और मेरे दरमियान में एक दिन मुकर्रर होगा, वादे का दिन मुकर्रर होगा, उस दिन तुम भी मुखरोगे नहीं मैं भी नहीं मुखरूंगा, दोनों सामने आएंगे, साफ और शफाफ मैदान में मुकाबला होगा। लिहाजा फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को चैलेंज किया और फिर आयत नंबर 59 सूरह ताहा 59 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, قال موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحا। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वो दिन जश्न का दिन होगा, वो दिन जश्न का जश्न के दिन का वादा है, यानी वो लोग जिस दिन जश्न मनाते थे उस दिन का वादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया और कहा, और लोग दिन चढ़ते ही जमा हुए, वहां पर लोग मैदान में जमा होने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी वाकये को आगे नकल करते हुए फरमाया कि जो फिरौन और जो है जादूगरों और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान में जो मामला हुआ, चूंकि वो जादूगर जो तमाम शहरों से बुलाए गए थे, जब उसने देखा ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुअज्जा तो उसने उसको जादू समझ लिया और कहा कि मैं सारे शहरों से जादूगरों को बुला लूंगा, लिहाजा तमाम जो है शहरों में मुनादी कर दी गई कि जिस जिस घर में जादूगर है वो आ जाए, वो आ जाए मैदान में, उन लोगों को माल की जाह व मनसब की लालच दे करके बुलाया गया और लोगों को जमा किया गया। अल्लाह ताला ने सूरह तौहा आयत नंबर 60 में फरमाया, फतवल्ला फिरौन फजमाहु फजमा कैदहु सुम्मा अता। पस फिरौन लौट गया और उसने अपने हथकंडे जमा किए और फिर आ गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى। حضرت موسی علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری شامت آ چکی ہے, تم اللہ رب العالمین کے بارے میں جھوٹ گڑتے ہو, اللہ رب العالمین پر افترا پردازی کرتے ہو, لہذا تمہیں عذابوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ملیا میٹ کر دے گا, تو سو تم اللہ رب العالمین پر جھوٹی بات نہ گڑو۔ فتنازعوا امرهم بینهم واسر النجوا, پس وہ لوگ آپس میں مشورے کرنے لگے, جادوگر لوگ آپس میں مشورے کرنے لگے اور آپس میں جو ہے اختلاف ان کے درمیان میں ہو گیا۔ کیا مشورے کرنے لگے؟ قالوا ان هذين لساحران يريدان ان يخرجكم من ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب ويذهب بطريق المثلى۔ ان لوگوں نے آپس میں کہنے لگے کہ یہ دونوں یعنی موسی اور فرعون موسی اور ہارون یہ دونوں جو ہے جادوگر ہیں اور یہ اپنے جادو کے ذریعے سے تمہیں اپنے شہر سے نکلوا دینا چاہتے ہیں اور تمہارا جو بہترین مذہب ہے باپ دادا کا آبا و اجداد کا مذہب ہے اس کو برباد کر دینا چاہتے ہیں یہ لوگ, لہذا وہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ جب یہ بات ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے ان کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھیے ان لوگ کے اندر جذبہ, دیکھیے جو جادوگر آئے تھے ان کے اندر جیت کا جو جذبہ تھا, جیت کا جو جوش تھا, کیونکہ جماعت تھی نا پوری جادوگروں کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسری طرف اکیلے تھے, لہذا ان کا جو کانفیڈنٹ لیول تھا وہ بہت ہائی تھا ان جادوگروں کا, لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں, اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین, کہ اے موسیٰ تم ڈالو گے,
लिहाजा वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछते हैं या कौलु या मूसा इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना अव्वल मन अल्का, कि ए मूसा तुम लाठी डालोगे या हम पहले जादू दिखाए अपना, तुम पहले अपना जादू दिखाओगे मौजजा दिखाओगे या हम अपना जादू तुमको पहले दिखाए, हम अपना करतब पहले दिखाए। हजरत मूसा ने कहा قال بل القوا, पहले तुम डाल दो, पहले तुम डाल दो। فقاف اذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि जब उन्होंने वो रस्सियां अपनी डाल दी तो वो रस्सियां और लकड़ियां जो है जादू से वो जो है सांप बन गई और भाग दौड़ने लगी। फौजस फी नफ्सिही खीफतम मूसा, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात देखी तो मूसा अलैहिस्सलाम डर गए कि ये काम तो मैं करने वाला था, मैं अपनी लाठी फेंक करके सांप बनाने वाला था, इन लोगों ने सांप बनवा दिया, लिहाजा उन लोगों के हाथों में रस्सी थी, लकड़ी थी, जो भी चीज़ दा थी उन लोगों ने ज़मीन पर डाल दी तो वो सांप बन गया और दौड़ने लगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुलना ला तखफ इन्नका अंतल आला, हमने कहा कि ए मूसा तुम खौफ ना खाओ, यकीनन तुम गालिब रहोगे, तुम जोरावर रहोगे, क्योंकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सच्चे पैगंबर हो, रसूल हो, तुम्हारा गालिब आना ज़रूरी है। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा कि तुम डरो नहीं। والقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر فولا يفلح الساحر حيث اتى, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तेरे दाएं हाथ में जो है उसे डाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहि सलाम को हुक्म दिया कि तेरे दाएं हाथ में जो कुछ भी है तो उसे डाल दे, और उसने उनकी तमाम कारीगरी को निगल लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, देखिए मसला कैसे हुआ ना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम लाठी डाल दो जो तुम्हारे हाथ में है। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो लाठी डाली तो ये जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो मौजज़ा था ना चूके, तो जैसे ही ये सांप बना इसने उनके सारे सांपों को खा लिया और सारे सांपों को निगल लिया, और उन्होंने जो कुछ भी बनाया था ये सब जादूगरों की करतब थी और जादूगर कहीं से भी कामयाब नहीं होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि जादूगर कहीं आए कामयाब नहीं होता। فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ مُوسَى بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى, لہذا سب کے سب جب جادوگروں نے یہ بات دیکھ لی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی ڈال دی وہ جادو وہ جو ہے سانپ بن گئی, تو جیسے ہی ان جادوگروں نے دیکھا تو یہ لوگ سمجھ گئے اور ان اس سانپوں کو جب کھا لیا اس نے تو یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا, کیونکہ جادوگر دیکھیے آپ ایک فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ کے تعلق سے آپ بہتر جانتے ہیں نا कि इस फील्ड में क्या क्या हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो इस फील्ड में होना मुमकिन नहीं है अगर वो हो जाए तो आपको ऐसा लगता है ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, ऐसा हो ही नहीं सकता इस फील्ड में। लिहाजा ये जादूगर चूंकि वो जादूगर थे, वो लोग वो जादू की फील्ड को जानते थे, लिहाजा उन लोगों ने कहा कि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है जादू में, लिहाजा ये जादू नहीं हो सकता। फिर उन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ला लिया। فألقي السحرة سجدا, सारे के सारे जो जादूगर थे वो सजदे में गिर गए। قالوا آمنا برب هارون وموسى, और उन लोगों ने कहा कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। अब फिरौन चूंकि पगला गया था उनके ये अमल को देख करके तो कहने लगा قال آمنتم قبل أن آذن لكم, कि तुम ईमान ला लिए इससे कबल के मैं तुम्हें इजाजत दूं। यानी देखिए बेवकूफ़ी देखिए कि जिस चीज से तू रोक रहा है उस चीज से तेरी इजाजत वो लोग तलब करेंगे। हाँ, इंसान की अक्ल मारी जाती है जब वो शिर्क और कुफ्र में मुबतला होता है, बिदात में मुबतला होता है, तो उसकी अक्ल मारी जाती है। लिहाजा फिरौन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग मेरे कहने से कबल, मेरी इजाज़त देने से कबल तुम लोग ईमान ला लिए। हाँ, तो उन लोगों ने कहा, तो फिरौन ने जब ये बात कही इन्नहु लकबीरुकुम अल्लज़ी अल्लमकुम अस्सिह्र फलाउक़त्तिअन्ना अयदीयकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ वलाउसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख़ला वलातअलमुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबक़ा, लिहाजा फरमाया कि तुम सबको मैं जो है तुम्हारे हाथों और पैरों को अपोजिट साइड से काट दूंगा। लाउक़त्तिअन्ना अयदीयकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, कि मैं तुम्हारे एक राइट हैंड, लेफ्ट हैंड तो राइट पैर और राइट हैंड तो लेफ्ट पैर, इस तरह से मैं तुम्हारे मुखालिफ सिम से हाथ पैरों को काट दूंगा। वलाउसल्लिबन्नकुम फी जुज़ूइन नख़ला, और मैं तुम्हें जो है खजूर के दरख्त पर सूली से लटका दूंगा, मैं तुम्हें सूली पर लटका दूंगा। और आगे फरमाया वलातअलमु
فَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى، اور فرمایا کہ تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، بہت دیر تک باقی رہنے والا ہے۔ قَالُوا لَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، جب کسی انسان کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف آ جاتا ہے، توحید آ جاتی ہے، ایک رب کو ماننے والا وہ جب بن جاتا ہے تو ساری دنیا کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے، ساری دنیا کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، وہ پھر کسی سے بھی نہیں ڈرتا، وہ نہ کسی عہدہ و منصب والوں سے ڈرتا ہے، نہ وہ کسی بابا ٹھابا سے ڈرتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ جادوگر جو ایمان لائے تھے، جو فرعون سے ڈرتے تھے، ہاں آپ کو پتا ہوگا کہ فرعون سے وہ لوگ اتنا ڈرتے تھے کہ فرعون نے یہ کہہ رکھا تھا کہ ہر گھر سے ایک جادوگر ہونا چاہیے، لہذا ان لوگوں نے ہر گھر سے جادوگر پیدا کیے، ہر گھر سے ہر شخص کو جادوگر بنایا۔ اتنا ڈرنے والے لوگ، اس کے خلاف نہ جانے والے لوگ، جب انہوں نے ایمان قبول کیا، جب انہوں نے اسلام قبول کیا، ایک اللہ کو مانا، توحید کا اقرار کیا، تو اس کا ڈر دل سے فوراً نکل گیا۔ اور ان لوگوں نے پتہ ہے اتنی دھمکیوں کے بعد فرعون سے کیا کہا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اے فرعون جو تو کر سکتا ہے کر لے۔ کیا کیا؟ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تو جو کر سکتا ہے کر لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اور تو کیا کر بھی کیا سکتا ہے، کرے گا تو بھی تو اس دنیاوی زندگی تک کر سکتا ہے نا، زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا، ہماری جان لے لے گا، تو اس دنیا ہی تک تیری جو ہے محدود ہے، تو محدود ہے، اس دنیا کے باہر تو تیرا کچھ نہیں چلنے والا نا۔ اور پھر ان لوگوں نے کہا، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا، کہا کہ ہم اپنے پروردگار سے پر ایمان لائے اور ہم اس سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا، ہمیں درگزر فرمائے گا، ہمیں بخش دے گا، اور جس چیز پر تم نے ہمیں مجبور کیا، یعنی جادو پر۔ دیکھیں یہاں پر ان لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ فرعون جادو پر مجبور بھی فرعون نے کیا تھا، کیوں؟ کیونکہ اس نے حکم دے رکھا تھا کہ ہر گھر سے جادوگر نکلنا چاہیے، چونکہ اس دور میں جادوگروں کا دورہ تھا اور وہ دور جادوگروں کا دور تھا، لہذا اس نے یہ بات کہی تھی لوگوں سے کہ دیکھو ہر گھر میں جادوگر ہونا چاہیے، اور لوگوں کو مجبور کرتا تھا جادو سیکھنے پر۔ لہذا ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے رب سے امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے گا، اور اس چیز کو ہم سے معاف کرے گا جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، یعنی جادو پر۔ واللہ خیر وابقا، اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات ہی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو فرعون نے دھمکیاں دے دی۔ اسی کا ایک اور جو ہے منظر اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 103 سے 124 میں ذکر کیا۔ 103 سے اللہ تعالیٰ نے وہی ذکر کیا کہ فرعون اور جادوگروں کے درمیان میں جو مکالمہ ہوا، اور حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے درمیان میں جو مکالمہ ہوا، اور فرعون کے درمیان میں جو مکالمہ ہوا، پورا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ کیسے فرعون کو دعوت دی، فرعون نے کہا کہ ہم جادوگروں کو بلائیں گے، پھر جادوگروں کو بلایا گیا، پھر جادوگروں سے بات چیت ہوئی، اور جادوگروں نے کہا کہ ہمیں جو ہے اس پر اجر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ عراف آیت نمبر 113 میں فرمایا، وجاء السحرۃ فرعون قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ دیکھیے، میں نے کہا تھا نا کہ ان لوگوں کو مال کی دولت کا جو ہے جھانسا دے کر کے بلایا گیا تھا جادوگروں کو، تو جادوگروں نے فرعون کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر ہم غالب ہو جائیں گے تو ہمیں بڑا صلہ دے گے تم، ہمیں بڑا صلہ ملے گا، بڑا بدلہ ملے گا اگر ہم غالب رہیں گے۔ فرعون نے کہا، قال نعم وانکم لمن المقربین، اور کہا کہ نہیں، اتنا ہی نہیں کہ تمہیں بدلہ، بڑا بدلہ دوں گا، بلکہ اگر تم لوگ غالب آ گئے تو تم کو میں اپنا مقرب بنا دوں گا۔ میں نے کہا تھا نا کہ ان کو مال اور جاہ و منصب کا لالچ دے کر کے فرعون نے بلایا تھا، لہذا مال کا بھی لالچ دیا اور کہا کہ میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ایسے ہی کیا، قال القوا فلما القوا سحر اعین الناس، ان لوگوں نے حضرت موسی سے پوچھا، قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نكون نحن الملقین، کیا ہے موسیٰ تم لاٹھی ڈالو گے یا ہم ڈالے؟ حضرت موسیٰ نے کہا تم ڈالو، تو ان لوگوں نے جو ہے اپنی رسیاں، لاٹھیاں، جو بھی ان کے ہاتھ میں تھی وہ ڈال دی، اور وہ سانپ بن گیا۔ وسطرہ ابو مجا ابی سحر عظیم،
وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ۔ फिर हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने हज़रत मूसा की तरफ वही की कि तुम अपना आसा डाल दो। फ़ैदा ही तलकफ़ु मा याफ़िकून, और जब वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाल दी तो सारे बने हुए खेल को उन्होंने निगलना शुरू कर दिया, सारे सांपों को वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सांप ने निकलना शुरू कर दिया। फ़वक़अ अल्हक़ु वबतला मा कानू यअमलून, और पस हक ज़ाहिर हो गया और उन्होंने जो कुछ बनाया था वो सब का सब जाता रहा। फ़ग़लिबू हुनालिका वन्क़लबू सागिरीन, पस वो लोग इस मौके पर हार गए और खूब जो है दलील हुए। वल्किया सहरतुसज्जदा वल्किया सहरतुसाजिदीन, और तमाम के तमाम जादूगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सजदा रेज़ हो गए कि ये तो जादू हो ही नहीं सकता। रब क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बी मूसा व हारून, क़ाल उन लोगों ने कहा कि हम मूसा, हम रब पर ईमान लाते हैं। और फिर रब की भी वजाहत की, चूँकि फ़िरौन भी तो अपने आप को अन्ना रब्बुकुम अल आला कहता था ना, फ़िरौन अपने आप को भी रब कहता था ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि फ़िरौन को गलत फहमी हो कि हम उसके लिए सजदा कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों ने वजाहत कर दी कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाते हैं। क़ाला फ़िरऔन आमनतुम क़ब्ल अन आज़ना लकुम इन हाज़ा लमकरुम मकरतुमूहु फ़िल मदीनति लितुख़रिजू मिन्हा अहलहा फ़सौफ़ तअलमून। फिर फ़िरऔन ने, जैसे कि मैंने बताया, उनको धमकियाँ देने लगा। इसमें अल्लाह ताला ने अलग से और एक धमकी जिक्र की कि उसने, फ़िरऔन ने लोगों को धमकी दी और कि ये तुम्हारी साजिश है और मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, मैं तुम्हें शहर से निकाल दूंगा और मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूंगा, मैं तुम्हें, जैसे कि पिछली आयतों में गुजरा कि मैं तुम्हें जो है फांसी दे दूंगा, मैं तुम्हारे हाथ पैरों को काट दूंगा। इस तरह से बहुत सारी धमकियां फिरौन ने दी, लिहाजा उन लोगों ने उसकी धमकियों से वो लोग नहीं डरे और जो है वो लोग सब्र किए अल्लाह रब्बुल आलमीन पर, उन जादूगरों ने। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके कौल को सूरतुल आराफ आयत नंबर 126 में नकल फरमाया। उन लोगों ने कहा वमा तनक़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बि आयत रब्बिना लम्मा जातना रब्बना अफ़रिग़ अलैना सबरन वतवफ़ना मुस्लिमीन, कि तूने हम में, उन लोगों ने फ़िरऔन से पूछा कि तूने हम में कौन सा ऐब देखा है, ये ऐब कि हम अपने रब के अहकाम को मानने लगे हैं, हम उस पर ईमान लाए हैं, हम उस पर अमल करेंगे, यह हमने किया है, ये ऐब तूने हम में देखा। फिर उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की रब्बना अफ़रिग़ अलैना सबरन वतवफ़ना मुस्लिमीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम पर सब्र का फैजान उंडेल दे। अफ़रिग़ अलैना उंडेल देना, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हम पर सब्र उंडेल दे और हमारी जान इस हालत में जाए कि हम मुसलमान रहे, हमारी वफात इस हालत में हो कि हम हालत इस्लाम में रहे। लिहाजा ये पूरा वाकया जादूगरों का, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और फ़िरऔन का हुआ और उन तीन उन लोगों के दरमियान में ये मुकम्मल मुकालमा हुआ। जब यह अजीम वाकया पेश आया तो दरबारियों ने फिरौन को और वरगलाने की कोशिश की, फिरौन को जो है और झांसा देने की कोशिश की, फिरौन को और जो है गुस्सा दिलाने की कोशिश की। और दरबारियों ने फिरौन से कहा وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك آلهتك, दरबारियों ने उनके उसके सरदारों ने फिरौन के सरदारों ने उससे कहा कि क्या तू मूसा और उसकी कौम को ऐसे ही छोड़ देगा, मूसा और इसके कौम को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा कि वो मुल्क में फसाद करते फिरे, अगर इस तरह से इनको छोड़े रखोगे तो ये लोग तो फसाद मचाएंगे, लिहाजा इनके साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क़ाला सनुक़त्तिलु अबनाअहुम वनस्तहयी निसाअहुम वइन्ना फौक़हुम क़ाहिरून, फिरौन ने कहा कि नहीं नहीं मैं इनको ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुम लोग क्या समझ रहे हो कि मैं ऐसे छोड़ दूंगा इन लोगों को, नहीं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, बल्कि दोबारा से इनके बच्चों को कत्ल करूंगा, इनकी बेटियों को छोड़ दिया करूंगा। जब फिरौन के सरदारों और हवारियों मवारियों ने फिरौन को बहकाया और फिरौन ने जब कह दिया कि मैं उनके बच्चों को छोड़ दूंगा, बेटों को कत्ल कर दूंगा और बेटियों को छोड़ दूंगा, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا, कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ही का सहारा है। ये हिम्मत, हौसला, ताकत के लिए हजरत मूसा ने कहा कि तुम्हारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ही का सहारा है। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, ये ज़मीन अल्लाह की है, यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी, वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है इसकी विरासत अदा करता है, ये ज़मीन दे देता है जिसको चाहता है अपने बंदों को, अपने बंदों में। हाँ आगे फरमाया इन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन, और खैर की कामयाबी और अच्छी कामयाबी ये मुत्तकीन ही के लिए है, बेहतरीन अंजाम मुत्तकीन ही का होगा। और इस पर बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा क़ालू उदीना क़ब्ल अन तअतीना मिन बाद मा जीतना, कि ऐ मूसा वैसे तो हम शुरू ही से मुश्किलात ही से दो चार है, तुम्हारे आने से पहले भी हम परेशानियों में तकलीफ़ों में थे, तुम्हारे आने के बाद भी वही हाल है,
लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون कि करीब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा, तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से अल्लाह रब्बुल आलमीन नचाद अता कर देगा, और बजाय इसके कि वो तुमको इस सरजमीन का खलीफा बना देगा और ताकि देखे कि तुम कैसा अमल करते हो। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह एक बशारत, यह खुशखबरी उन लोगों को दे दी बनी इसराइल को। और फिर मामला यह हुआ कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से और उनके जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे उनके ताल्लुक से चूंकि फिरौन और उसके सरदार बहका रहे थे, डरा रहे थे और उनको मारने की प्लानिंग कर रहे थे, उनको मारने की कत्ल करने की प्लानिंग कर रहे थे कि हजरत मूसा फिरौन और उसके हवारी मवारी और उसके सरदारान के कैसे जो है मूसा और उनकी कौम को कत्ल किया जाए, उनके लोगों को कत्ल किया जाए। उसमें एक शख्स ऐसा मौजूद था जो हजरत मूसा पर ईमान रखता था, फिरौन ही के घर वालों में से एक शख्स ऐसा था जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखता था, लेकिन उसने अपने ईमान को छुपाए रखा था अपने दिल में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी के कौल को नकल करते हुए फरमाया قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه के सूरह मोमिन आयत नंबर 28 से 31 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक मोमिन शख्स जो फिरौन ही के घर से था और उसने अपने ईमान को छुपाए हुए था, अतक्तुलून रजुलन अन यकूल रब्बी अल्लाह, उसने उन लोगों से कहा फिरौन और उसके ग्रुप वाले जो ये मीटिंग कर रहे थे कि कैसे इन लोगों को कत्ल करें, उन लोगों से कहा अतक्तुलून रजुलन अन यकूल रब्बी अल्लाह, क्या तुम एक शख्स को इसलिए कत्ल करोगे कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, हाँ वइन यकु काज़िबन फअलीही कज़िब, और जब वजह और उन लोगों ने और उसने कहा वक़द जाअतकुमुल बय्यिनातु मिन रब्बिकुम, हालांकि वो अपने रब की जानिब से तुम्हारे पास दलाइल लेकर के आया है, यानी ढके छुपे अल्फाज में इस मोमिन ने अपने ईमान का इजहार किया। हम ये कह सकते हैं कि ढके छुपे अल्फाज में इस मोमिन ने अपने ईमान का इजहार किया, क्योंकि जब देखिए एक मुसलमानों पर जब ईमान वालों पर किसी किस्म की तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो याद रखिए दूसरे मोमिनीन को भी तकलीफ होती है, दूसरे मुसलमानों को भी तकलीफ होती है। आज देखिए हमारे वो मुसलमान भाई जो फलस्तीन में रहते हैं उनका क्या हाल हो रहा है, क्या क्या कितनी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग जो इस तरह से शरारती हैं, हर राह हक से भटके हुए हैं, कुछ लोगों की सज़ा तमाम मुसलमानों को, फ़लस्तीन के तमाम मुसलमानों को मिल रही है। बेचारे मज़लूम मुसलमान बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी गलती के, बग़ैर किसी ख़ता के मासूम मुसलमानों की किस तरह से जान ली जा रही है, उनके साथ कत्लेआम किया जा रहा है। इसका दर्द मुझे और आपको महसूस करना चाहिए, मेरे और आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम सोचें, हम गौर करें कि कैसे उन भाइयों के लिए हम कम अज़ कम कुछ ना कर सकें तो कम अज़ कम हम उनको अपनी दुआओं में याद रखें। लिहाजा उस नौजवान को, उस मुसलमान को जो ईमान वाला था, उसको तकलीफ़ हुई ये बात सुनकर के ये लोग उन लोगों के कत्ल की प्लानिंग कर रहे हैं। लिहाजा उसने कहा तख्तुलून रजुलन अन यकूल रब्बी अल्लाह वक़द जाअकुम बय्यिनतुम बिलबय्यिनाति मिन रब्बिकुम, उसने कहा कि क्या तुम एक शख्स को इसलिए कत्ल करोगे कि वो कहता है कि मेरा रब अल्लाह है और वो तुम्हारे पास वाज़ह दलाइल लेकर के आया है, वहीं यकु कैदिबन फ़ाइली ही कैदिबुल, अगर वो झूठा होगा तो उसका झूठ तो उसी पर है, वहीं यकु सादिकन युसीबुकुम बादुल्लदी यईदुकुम, और अगर वो सच्चा हो गया और जिस अज़ाब का वो वादा कर रहा है तो डर है कि मुझे कहीं वो अज़ाब तुम पर ना आ जाए, इन अल्लाह ला यहदी मन हुवा मुसरिफुन कद्दाब, और अल्लाह ताला की उसकी रहबरी नहीं करता जो हद से ज़्यादा गुजर जाने वाला और झूठ बोलने वाला है। और आगे फिर उसने कहा या कौमी लकुमुल मुल्कु, और आगे फिर उसने कहा आयत नंबर 29 में, सूरह मोमिन आयत नंबर 29 में, या कौमी लकुमुल मुल्क, ऐ मेरी कौम के लोगों आज तो तुम्हारे पास बादशाहत है, आज तुम्हारे लिए बादशाहत है, तुम जमीन पर गालिब हो, लेकिन अगर अल्लाह का आज़ाब तुम पर आ गया तो कौन है जो अल्लाह के आज़ाब से तुम्हारी मदद करेगा। और तो फिरौन ने बोला कि मैं तो वही बात रख रहा हूँ जो मैंने तुम्हारी जो है मैं खुद देख रहा हूँ, वही बात मैं तुम लोगों के सामने रख रहा हूँ। ये सारी बातें फिरौन ने उन लोगों के सामने कही। और फिर उस मोमिन शख्स ने
उस मोमिन शख्स ने जिसने ईमान लाया था, जो एक अल्लाह पर ईमान रखता था, जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखता था, उसने उन लोगों से कहा, قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب, उस मोमिन ने कहा कि ऐ मेरी कौम के लोगों, मुझे अंदेशा है कि तुम पर वैसे ही आज़ाब ना आ जाए जैसे पिछली उम्मतों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज़ाब नासिल किया, مثل داب قوم نوح وعاد وثمود, जैसे अल्लाह ताला ने कौम नूह को हलाक किया तूफान के जरिए से, कौम आद को हलाक किया, कौम समूद को जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाक किया, और उनके बाद की उम्मतों को जैसे अल्लाह ताला ने हलाक किया, कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें भी ना हलाक कर दे, मुझे इस बात का खौफ है, इस बात का डर है। यानी उस शख्स ने ये सारी बातें ढके छुपे अल्फाज में अपने ईमान का इजहार कर दिया, लेकिन और जो है उसने ये सारी बातें उन लोगों के सामने रख दी, मूसा फिरौन पर हुज्जत तमाम कर दी, फिरौन को उसने भी समझाया, हजरत मूसा ने भी समझाया, इस मोमिन ने भी समझाया, लेकिन चूंकि वो सरकश था उसने अपनी कौम को बुला करके, चूंकि देखा लोग मूसा की तरफ मुड़ रहे हैं, लोग मूसा की तरफ फिर रहे हैं, उनका मैलान उनका रुझान मूसा की तरफ जा रहा है, लिहाजा उसने अपने तमाम लोगों को जमा करके यह ऐलान किया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरतुज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 51 से 56 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया, फरमाया वनादा फिरौन फी क़ौमिही, फिरौन ने अपनी कौम में पुकारा और कहा, क़ाल या क़ौमी अलैसा ली मुल्कु मिस्र, वो अपनी कौम से कहने लगा कि क्या मिस्र की बादशाहत मेरे लिए नहीं है, यानी तमाम लोगों को जमा करके पूछने लगा, क्या मिस्र, क्या तुम लोग बताओ मिस्र की बादशाहत मेरे लिए नहीं है, वहादिहिल अनहार तजरी मिन तहतिहा अनहार, क्या यहाँ की जो नहरें हैं, हाँ यहाँ के जो महल्लात है जिसके नीचे से नहरें जारी है, क्या ये मेरा नहीं है, हाँ क्या ये मेरे नहीं है, और अफला तुबसिरून, क्या तुम नहीं देखते। यानी देखिए कैसे अभी फिरौन माहौल बना रहा है, अपने लोगों की जहन साजी कर रहा है ये कह करके कि देखो मिस्र की बादशाहत मेरे लिए है, मिस्र के जो महल्लात के नीचे से नहरें जारी है, महल्लात है और उसके नीचे से जो नहरें जारी है सारी की सारी मेरी हैं, क्या तुम देखते नहीं। देखिए आगे फिरौन कहने लगा आयत नंबर 52 में, सूरतुज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 52 में फिरौन कहने लगा, अम अना खैरुम मिन हाज़ा अल्लज़ी हुवा महीन, के मैं उस शख्स से बेहतर हूं जो बेतौकीर है, यानी मूसा अलैहि सलाम की तरफ वो इशारा कर रहा है और कहता है कि मैं मूसा अलैहि सलाम से, मैं मूसा से बेहतर हूं जो बेतौकीर है, वला यकादु युबीन, जिसकी जबान भी साफ नहीं है, वो साफ बोलता भी नहीं है, उससे मैं बेहतर हूं, फलौला उल्किया अलैहि अस्विरतुम मिन ज़हबिन औ जाअ माअहु अल-मलाइकतुल मुक़र्रबीन, और फिर कैसी भौदी दलील, बेवकूफाना दलील उसने पेश की, कहा कि अगर ये मूसा अल्लाह की जानिब से रसूल है तो अल्लाह ताला इस पे आसमान से सोने के कंगन क्यों नहीं बरसा देता। अल्लाह अकबर, कैसी बेवकूफाना, कैसी बेवकूफाना बात है। देखिए एक बुरा शख्स जो इस बात का दावा करता है कि मैं रब हूं और रब, अपने आप को रब कहने के बावजूद ऐसी बेवकूफाना बातें करता है, ऐसी बेवकूफाना हरकत करता है, बताओ कौन उसको रब मानेगा। हाँ, कहने लगा कि मूसा अगर अल्लाह का नबी है तो मूसा के ऊपर आसमान से जो है सोने के कंगन अल्लाह ताला ने क्यों नहीं बरसाया, औ जाअ माअहु अल-मलाइकतुल मुक़र्रबीन, और फिर उसके साथ फरिश्ते क्यों नहीं नाजिल हो गए जो उसकी तस्दीक करें, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुकर्रब फरिश्ते, जो फरिश्ते हैं वो उसके साथ क्यों नहीं नाजिल हो गए। فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ, लिहाजा उसकी कौम ने उसकी बात सुनी और वो उसकी बात से एग्री कर ली है, उसकी कौम ने और उसकी इताअत कर ली, उसकी बात मान ली, उसने अपनी कौम को बहलाया फुसलाया, लिहाजा उसकी कौम बात मान गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये तो फासिख कौम ही थी, فَلَمَّا أَسَفُونَا تَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि हमने इनसे इनके कुफ्र के बदले में, इनके फिस्क के बदले में हमने इनसे इंतकाम लिया और हमने को डुबो दिया। फजअलनाहुम सलफन व मसलन लिलआखरीन, और पस हमने अगले और जो है इनको पिछलों के लिए हमने मिसाल बना दी। अब फिरौन जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मजाक करता है, कहता है कि एक महल बना दो जिस पर चढ़ करके मैं मूसा के रब से मुलाकात कर लूँ, इस तरह से जो है इस्तेहज़ा के अल्फाज में और इस तरह से जो है हंसी के अल्फाज में उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया, और जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरतुल मुमिन आयत नंबर 36 और 37 में किया, और फिरौन का कौल नकल किया, وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب, के फिरौन ने अपने वजीर
हामान से कहा, हामान फिरौन का था ना वजीर था, लिहाजा उसने अपने हामान से, फिरौन ने हामान से कहा कि मेरे लिए एक बाला खाना बना लो, शायद मैं जो है मूसा के यानी आसमान का जो दरवाजा है वहां तक पहुंच जाओ, मेरे लिए बाला खाना बना दो ताकि मैं आसमान के दरवाजे तक पहुंच जाओ। असबाब समावाती फअत्तलिया इला इलाही मूसा व इन्नी लअज़ुन्नुहु काज़िबा, और कहने लगा ताकि मैं आसमान के दरवाजे तक पहुंच जाऊं और आसमान तक पहुंच करके मूसा के माबूद को झांक लूं, झांक करके मूसा के माबूद को देख लूं यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख लूं और मैं समझता हूं कि ये झूठा है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से उसने कहा कि वो झूठा है, और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वकदालिका दुग्गिन अली फिरौन सुउ अमली वसद्द अनि सबील वमा कैदु फिरौन इल्ला फी तबाब। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इसी तरह फिरौन की बदकारियों से बदकारियाँ उसे भली दिखाई देने लगी, यानी फिरौन ने अपनी बदकारियों को अपनी गलतियों को ये खैर समझने लगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे वैसे ही दिखा दिया और फिरौन की हर हीला साजी तबाही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर दिया और तबाही होकर रही। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ाल फिरौन या हामानु मलाउ मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी फाउक़िद ली या हामानु अला तीन फजअल ली सरहन लअल्ली अत्तलिउ इला इलाही मूसा व इन्नी लअज़ुन्नुहु मिन الكاذبين। फिरौन कहने लगा अपने दरबारियों से कि अपने सिवा किसी और को मेरा अपना माबूद नहीं समझता। इसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल कसस आयत नंबर 38 में फरमाया, सूरतुल कसस आयत नंबर 38 में इसी तरह की बात को नकल करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ाल फिरौन या अय्युहल मलाउ मा अलिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी। फिरौन ने अपने जो उसके सरदारान थे, उसके जो दरबारी थे, फिरौन ने अपने दरबारियों से कहा कि ए मेरे दरबारियों, ए मेरे लोगों, मैं तुम्हें अपने अलावा कोई और माबूद तुम्हारे लिए नहीं देखता, यानी मैं अपने अलावा किसी और को तुम्हारा माबूद नहीं समझता। और आगे फरमाया फाउक़िदनी या हामान अलतीनी फजअल्ली सरहल अल्ली, और उसने कहा कि सुन ए हामान, तू मिट्टी को गरम कर, यानी मिट्टी को पका आग पर अच्छी तरह से, और फिर मेरे लिए उससे एक महल तामीर कर, मेरे लिए उससे एक महल तामीर कर ताकि मैं मूसा के माबूद को झांक लूं, मैं मूसा के माबूद को देख लूं। यानी मजाक उड़ाने लगा, पहले कहा बाला खाना बना एक बड़ा ताकि मैं मूसा के रब को देख लूं, फिर कहता है महल बना एक बड़ा, अच्छी आग में मिट्टी को पका और फिर उससे एक बड़ा अच्छा महल तामीर कर ताकि मैं मूसा के रब को देख लूं। और आगे फरमाया हुआ इन्नी लअज़ुन्नुहु मिनल काज़िबीन, और मैं गुमान करता हूँ कि वो झूठों में से हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का जिक्र किया कि मूसा अलैहिस्सलाम की बे इंतहा दावत पर, अनथक मेहनत पर मूसा अलैहिस्सलाम की ये लोग ईमान नहीं लाए। बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी निशानियाँ दिखा दी, कितने इनामात उन पर कर दिए, कितनी चीज़ें उनको पेश कर दी, लेकिन ये कौम थी ही जालिम, ये कौम थी ही फासिख, ये कौम थी ही काफिर। लिहाजा उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों को नहीं माना और उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया, और मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उन पर हुज्जत तमाम कर दी तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर गुनागो आदाबात नाजिल करना शुरू कर दिए, और आदाबात को ये लोग देखने लगे, आदाबात इन पर आए, इन्होंने वादा किया, इनसे आदाब हटा लिए गए, फिर उन्होंने अपनी सरकशी की, फिर आदाब आया, फिर आदाब हटाने की उन्होंने दुआ करवाई हज़रत मूसा से कि हम ईमान लाएंगे, फिर अल्लाह इन लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह ताला ने सूरतुल आराफ आयत नंबर 130 से 133 सूरतुल आराफ में अल्लाह ताला ने फरमाया وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, कि हमने फिरौन वालों को कहत में मुबतला कर दिया, कहत साली में वो लोग मुबतला हो गए और फलों की कमी में मुबतला हो गए ताकि वो नसीहत कबूल करें। अल्लाह ताला ने उनको जो है कहत साली में मुबतला कर दिया, फलों की कमी में मुबतला कर दिया ताकि वो नसीहत हासिल करें। फ़ैज़ा जाअतहुम हसनतुन क़ालू लना हाज़िही, और जब कोई उनके पास खैर की बात आती, खैर आता उनके पास, तो कहते ये हमारी तरफ से, ये हमारी वजह से खैर है। वह इन तुसिबहुम और जब कोई मुसीबत आ जाती है तो हजरत मूसा और उनके साथियों से बदशगुनी लेने लगते हैं। इन नमातिन बदशगुनी नहुसत अल्लाह ताला के पास है, उनकी नहुसत अल्लाह ताला के पास है लेकिन इसको अक्सर लोग नहीं जानते। अल्लाह ताला ने कहा कि ये लोग इस तरह से हो गए थे ना कि जब कोई भी अच्छाई मिलती फिरौन और कौम फिरौन को तो कहते कि ये हमारी तरफ से, हमारी वजह से, और जब कोई बुराई कोई मुसीबत आती तो कहते ये फिरौन मूसा और उनके साथियों की वजह से, से नहुसत उनकी नहुसत की वजह से है। قالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها وما نحن لك بمؤمنين,
और उसके बाद अल्लाह ताला ने आगे फरमाया फअरसलना अलैहिमुत तूफान, आयत नंबर 133 में फअरसलना अलैहिमुत तूफान वल जराद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर तूफान भेजा। तूफान यहाँ पर तूफान से अहले इल्म ने यह बात कही है कि पानी का आज़ाब इन पर आया, यानी किस तरह कितने तरह के आज़ाब अल्लाह ताला ने भेजे उसका जिक्र अल्लाह ताला ने आयत नंबर 133 में किया और फरमाया फअरसलना अलैहिमुत तूफान, अल्लाह ताला ने इनको उनके ऊपर तूफान भेजा। तूफान से बाद अहले इल्म ने यह कहा कि इनके ऊपर बारिश आई या पानी आया, सैलाब आ गया, या बाद अहले इल्म ने कहा कि नहीं इनके ऊपर तेज हवा चलने लगी, और बाद अहले इल्म ने कहा कि नहीं यहाँ पर तूफान से मुराद कसरत अमवात है, बहुत ज्यादा लोग मरने लगे। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तूफान का जिक्र किया कि इनके ऊपर तूफान आया। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया फअरसलना अलैहिमुत तूफान वल जराद, जराद यानी टिड्डियां, टिड्डियां जो खेतों के खेतों तबाह कर देती है। आपने देखा होगा, गूगल पर सर्च कीजिए आप टिड्डी, आपको नजर आ जाएगा। लिहाजा वो टिड्डियां जो खेतों के खेतों को तबाह कर देती थी, वो टिड्डियां इन पर आ गई और उसने इनके फसलों को, इनकी जो अनाज इन लोगों ने लगाया था उसको तबाह व बर्बाद करके उसने रख दिया। फअरसलना अलैहिमुत तूफान वल जराद वल कुम्मल, इसी तरह घुन का कीड़ा, बाज़ अलिम ने घुन का कीड़ा कहा, जिसको हम घुन का कीड़ा कहते हैं कि वो लग जाता है, तो तमाम अनाजों में वो लग गया, वो तबाह हो गए। फअरसलना अलैहिमुत तूफान वल जराद वल कुम्मल वल दफादिया, बाज़ अलिम ने कुम्मल से जू मुराद लिए कि उनके सरों में जू होने लगी। हाँ, और आगे फरमाया वल दफादिया, और इसी तरह से मेंढक का अज़ाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर नाजिल किया, यानी मेंढक मेंढक हर जगह, मेंढक हत्ता के उनके खानों में मेंढक, उनके पीने की चीजों में मेंढक। अहले इल्म ने यहां तक लिखा है कि इतने मेंढक उनके घरों में हो गए थे कि जब वो पीने के लिए पानी उठाते उसमें मेंढक गिर जाता, जब वो पीने के लिए मुंह खोलते मुंह में मेंढक चला जाता, जब वो खाने के लिए बैठते उनके खाने में मेंढक चला जाता, इतने मेंढक उनके मेंढकों का आदाब उन पर आया था। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वह दम, इसी तरह खून का आदाब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर नाजिल किया, उनके पानी पूरा का पूरा खून आलूद हो गया, जहां जहां पानी था सब खून आलूद हो गया, यानी इतनी सारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतने तरह के उन पर आदाब नाजिल फरमाए। इन्नहु कानू कौमन मुजरिमीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि यह कौम अहद शिकनी में मुबतला थी, ये कौम मुजरिम थी, ज़ालिम थी, और इतने आदाब आने के बावजूद ये लोग नहीं माने। असल में क्या करते थे ना कि जब एक आदाब आता था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर के कहते थे कि अल्लाह ताला से कहो ये आदाब हटा दे, हम ईमान ला लेंगे। जैसे ही आदाब हट जाता, ये लोग वापस से अपनी पुरानी हालत पर लौट आते और जो है ये लोग जो है अहद शिकनी करने लगते। अल्लाह ताला ने सूरतुल आराफ 134 से 136, सूरतुल आराफ 134 से 136 में अल्लाह ताला फरमाया वलम्मा वक़ा अलैहिमुर रिज़्ज़ु قالوا يا موسى يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل। कि जब इन पर कोई आदाब वाकई होता तो ये यूं कहने लगते कि ए मूसा हमारे लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर दीजिए, आप इस बात की दुआ कीजिए कि जिस आदाब में हम मुबतला है आप इसको हमसे हटा ले, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको हमसे हटा ले, आपसे अहद कर रखा है कि अगर ये आदाब हमसे हट जाएगा ना तो हम जरूर आप पर ईमान ले आएंगे और हम जरूर जो है बनी इसराइल को छोड़ देंगे, आपके हमराह कर देंगे बनी इसराइल को। और आगे अल्लाह ताला ने फरमाया आयत नंबर 135 में फलम्मा कशफना अनहुम रिज्ज़ इला अजलिन हुम बालिगूहु इदा हुम यनकुथून, और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे उस आदाब को हटा लेता, उस वो आदाब उनसे टल जाता, तो वो जैसे ही आदाब टल जाता ना तो वो वापस जो है उसी हालत पर लौट आते जिस हालत पर थे, और वो जो है फौरन वापस से अहद शिकनी में मुबतला हो जाते और जो है वो अहद शिकनी करने लगते। अल्लाह ताला ने फरमाया फंतकमना मिनहुम, अल्लाह ताला ने उनसे इंतकाम लिया, फअगरकनाहुम फिल यम्मी बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना वकानू अन्हा गाफिलीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें गर्क कर दिया, लिहाजा वो गाफिल कौम थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात बतला दी, लिहाजा अल्लाह ताला ने उनके कौम को, यानी जैसे जैसे आदाब आता, एक आदाब आया अल्लाह हजरत मूसा से आकर के कहते कि मूसा अपने रब से दुआ कर दीजिए कि हमें माफ़ कर दे, हाँ ये आदाब को हटा दे, हम ईमान ला लेंगे और बनी इसराइल को छोड़ देंगे, और फिर जैसे अल्लाह ताला आदाब हटा देता उनके वो ख़त्म होने के बाद, तो फौरन जो है वो अपनी अहद शिकनी कर लेते और वापस से अपने कुफ्र की तरफ वो लौट जाते। इस तरह से वो लोग मामला करते रहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन लोगों को जो है तबाह व बर्बाद कर दिया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके इनके महल्लात को, इनके इनको और इनके
कुब्र और गुरूर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको तहस नहस कर दिया। तो लिहाजा जब ये लोग नहीं माने तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन और उसकी फौजों की तबाही का फैसला कर दिया और इनकी तबाही का वक्त आ गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले लोग चंद थे, जिसमें से जो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले लोग चूंकि चंद लोग थे, और जो है बाद लोगों ने कहा कि तीन ही लोग ईमान लाए थे, लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया फमा आमन अली मूसा इल्ला ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा पर उनकी कौम में से सिर्फ चंद नौजवानों ने नौजवान आदमी ईमान लाए, और वो भी फिरौन से और अपने हुक्काम से डरते थे, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बात जिक्र कर दी। तो अहले इल्म ने यह बात लिखी है कि चंद लोग ईमान लाए थे, जिसमें से एक तो बनी इसराइल जो हजरत मूसा के साथ थे वो सबके सब ईमान लाए थे, दूसरा वो किबती वो शख्स जो फिरौन के खानदान से था लेकिन अपने ईमान को उसने जाहिर नहीं किया था, वो शख्स भी ईमान लाया था। इसी तरह तमाम के तमाम जादूगर ईमान लाए थे। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग किबतियों में से ईमान लाए थे जो अपने ईमान को जाहिर नहीं करते थे, क्योंकि वो डरते थे फिरौन से और अपने हुक्काम से, लिहाजा वो अपने ईमान को जाहिर नहीं करते थे। तो एक कुछ लोगों ने चंद लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इताअत को कबूल किया और वो लोग जो है आप पर ईमान लाए। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अपनी कौम को नसीहत और उनकी बद्दुआ का जिक्र करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, वक़ाल मूसा या कौम इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि व अलैहि तवक्कलु इन कुंतुम मुस्लिमीन। मूसा ने फरमाया कि ऐ मेरी कौम के लोगो, अगर तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो उसी पर तवक्कुल करो, अगर तुम मुसलमान हो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें हमें तमाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जो है बचाने वाला है। अब यहां से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अपने कौम को नसीहत और फिरौन और उसकी कौम के लिए बद्दुआ का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस आयत नंबर 83 से 84 से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र करते हुए फरमाया, वक़ाल मूसा या कौम इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि फअलैहि तवक्कलु इन कुंतुम मुमिनीन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम के लोगो, तुम अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हो तो तुम उसी पर भरोसा करो, अगर तुम मुसलमान हो तुम अल्लाह ही पर भरोसा करो। फ़क़ालू अलल्लाहि तवक्कलना, उन्होंने अर्ज किया कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा करते हैं, रब्बना ला तजअलना फितनतन लिलक़ौमिल ज़ालिमीन, ऐ हमारे परवरदिगार तू हमको इन ज़ालिम लोगों के लिए फितना न बना देना, वनजिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफिरीन, और हमें अपनी रहमत से इन काफिर लोगों से नजात अता फरमा। इन लोगों ने दुआ की अल्लाह रब्बुल आलमीन से, वअवहैना इला मूसा व अख़ीही, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं हमने मूसा और उसके भाई की तरफ वही की, अन तबव्वअ लिक़ौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन वजअलु बुयूतकुम क़िबलतन वअक़ीमुस सलाह वबशिरिल मुमिनीन। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा और हजरत हारून, देखिए जितना वाकया मैं हजरत मूसा का बयान कर रहा हूं ना, साथ साथ हजरत हारून भी है, चूंकि कुरान में हर मौके पर उनका तज़किरा नहीं है, इसीलिए उनका तज़किरा नहीं आ रहा है। जहां जहां कुरान ने उनका तज़किरा किया है हजरत हारून का, मैं वहां पर उनका तज़किरा करूंगा। जैसे यहां पर अल्लाह ताला ने कहा कि हजरत मूसा और हारून को अल्लाह ताला ने वही की और फरमाया कि उन दोनों की जानिब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वही की और फरमाया कि मिस्र के एक घर में अपने लिए इबादतगाह बना लो और वहां पर नमाज कायम करो, नमाज की पाबंदी करो और मोमिनीन को खुशखबरी सुना दो, इस बात का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया। वकाल मूसा रब्बना इन्नका अतैता फिरौन, अब यहां पर देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र कर रहा है। सूरह यूनुस आयत नंबर 88 में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के लिए बददुआ की और फरमाया, वकाल मूसा रब्बना इन्नका अतैता फिरौन व मलअहु ज़ीनतन व अमवालन फिल हयातिद दुनिया रब्बना लियुदिल्लु अन सबीलिक। हजरत मूसा ने दुआ की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने ये फिरौन को और उसके सरदारों को सामान ज़ीनत दे रखा है, तूने ये सारी चीजें जो माल दौलत कसरत अमवाल ये जो सारी चीजें तूने उन लोगों को दे रखा है, क्या इसलिए तूने उन्हें दिया है ताकि वो तेरे लोगों को जो है तेरी राह से भटकाए, तेरे बंदों को तेरी राह से भटकाए। हाँ, रब्बनत बिसाला अमवालिहिम वजदुद अला कुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरउल अज़ाबुल अलीम। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने दुआ की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके मालों को निस्त नाबूद कर दे। हाँ, हजरत मूसा ने कहा कि क्या अल्लाह ताला तूने इसलिए दिया है इन लोगों को ताकि वो तेरे बंदों को गुमराह करें, तेरे बंदों को तेरे रास्ते से रोके। लिहाजा
अल्लाह रब्बुल आलमीन तू इनकी मालो दौलत को निस्तो नाबूद कर दे और इनके दिलों को सख्त बना दे ताकि ये ईमान न ला सके यहाँ तक कि ये तेरे आदाब को देख ले। قال الله رب العالمين فرمایا قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون। الله رب العالمين نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم دونوں کی دعا کو قبول فرما لیا اور سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ اچھا یہاں پر دیکھیے ایک بات آپ غور کیجئے کہ دعا کس نے کی تھی؟ حضرت موسیٰ نے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں سورہ یونس آیت نمبر 88 میں خود اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملا، کہ موسیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین تو نے کیا ان لوگوں کو یہ کیوں دے رکھا ہے تاکہ تیرے بندوں کو گمراہ کرے، اس لیے دے رکھا ہے۔ تو یہ بات دعا کی تھی حضرت موسیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا قال قد اجیبت دعوتکما، کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ علیم نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے نا کہ دعا تو موسیٰ نے کی تھی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کی دعا کی تھی کہ اے اللہ ربنا ربنا اطمس علی اموالہم، کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے مالوں کو نست و نابود کر دے، ہاں، اور ان کے دلوں کو وجدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت بنا دے حتی یروا العذاب الالیم، کہ یہ تیرا عذاب دیکھ لے۔ تو یہ جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی نا، اس پر حضرت ہارون نے آمین کہا تھا، لہذا وہ بھی آمین کہنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی دعا میں شامل ہو گئے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ رب العالمین نے تم دونوں کی دعا کو قبول فرما لیا، تم لوگ ثابت قدم رہو اور جو ہے ایسے لوگوں کی راہ پر نہ چلو جو علم نہیں رکھتے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کر دیا۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے چونکہ حضرت موسیٰ نے ان لوگوں کے لیے بد دعا کر دی، اب اللہ رب العالمین کا عذاب آ جانا ان پر لازم ہو گیا، ان کی سرکشی کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے جو ہے فسق کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ہاں، اور فرعون کے اپنے آپ کو رب کہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا تھا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اہل علم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو لے کر کے رات کے وقت میں نکل جانا، لہذا حضرت موسیٰ نے اور ان کی قوم نے جو ہے وہاں کے لوگوں سے، اپنے سرداروں سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ ہم لوگ جو ہے فلاں جگہ پر جا کر کے اپنا جشن منانا چاہتے ہیں، اپنی خوشی منانا چاہتے ہیں، یہ کہہ کر کے وہ لوگ نکل گئے۔ اور جب فرعون کو پتا چلا کہ وہ لوگ نکل گئے ہیں تو فرعون نے پھر ان کا پیچھا کیا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 52 سے 68 میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم راتوں رات اب میرے بندوں کو لے کر کے تو نکل جا، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر کے نکل جا، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي مَدَائِنِ حَاشِرِينَ، فرعون نے جو ہے شہر میں اہلکاروں کو بھیج دیا اور جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے لگ گیا۔ انہم لشرذیم ان ہؤلاء لشرذیمۃ قلیلون، یقینا وہ یہ گروہ بہت کم تعداد میں تھا۔ انہم لنا لغائظون، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس پر یہ ہمیں سخت غضبناک کر رہے تھے، یہ لوگ جو ہے ہمیں سخت غضبناک کر رہے تھے۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہے یہاں سے نکال دیا، ہاں، یہاں سے نکال دیا، جنات سے، باغات سے، یعنی فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اللہ رب العالمین نے نکال دیا اور بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ مُشْرِقِينَ، پس فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے تعقب میں نکلے، یعنی فرعون اور اس کے ساتھی بھی، پہلے تو اس نے جو ہے اپنے اہلکاروں کو بھیجا شہروں میں جا کر کے ان لوگوں کا پیچھا کرو، اور پھر صبح سورج نکلتے ہی فرعون اور اس کے ساتھی جو ہے نکل گئے حضرت موسیٰ اور جو ہے بنی اسرائیل کے پیچھے۔ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم آگے آگے چل رہی تھی، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آ رہا تھا، جب ان لوگوں نے، مسلمانوں نے، جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے فرعون اور اس کے لشکر کو دیکھ لیا تو ان لوگوں نے کہا کہ اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو یہ لوگ پکڑ لیں گے ہمیں، قتل کر دیں گے، ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا قال كلا ان ربي معي ان معي ربي سيهدين، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، ہمارا رب
हमारे साथ है वो हमें जरूर राह दिखाएगा। فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि हमने मूसा की तरफ वही की कि तुम समंदर पर लाठी मारो। जैसे ही हजरत मूसा अलैहि सलाम ने समंदर पर लाठी मारी और जो है समंदर में रास्ता बन गया। देखिए हजरत मूसा अलैहि सलाम जा रहे हैं आगे समंदर, पीछे फिरौन का लश्कर। जाए तो कहां जाए, अपने रब पर भरोसा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा किया। अल्लाह ने कहा मारो लाठी समंदर पर, हजरत मूसा ने समंदर पर लाठी मारी, समंदर में रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जो है बनी इसराइल उस रास्ते को पार कर गए। जैसे ही फिरौन और उसका लश्कर पीछे से पार करने के लिए आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है मौजों को हुक्म दिया कि वो मिल जाए, और वो मिल गई और फिरौन और उसके साथी तबाह व बर्बाद होकर के रह गए। और जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वअंजैना मूसा व मन माअहु अजमईन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा और उनके साथियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नजात अता फरमाई। थुम्मा अगरकना अलआखरीन, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो दूसरे थे यानी फिरौन और उसके जो साथी थे, अल्लाह ताला ने उन लोगों को गर्क कर दिया। इन्ना फी ज़ालिका लआया वमा काना अक्सरहुम मुमिनीन। इसमें बड़ी इबरत, बड़ी निशानी है, लेकिन अक्सर लोग ईमान वाले नहीं हैं। व इन्ना रब्बका लहुल अज़ीज़ुर रहीम, और आपका रब बड़ा मेहरबान और बड़ा गालिब है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये पूरा वाकया हजरत मूसा का और फिरौन का यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिया। इसी तरह सूरह ताहा आयत नंबर 77 से 79 के बीच में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी तरह की बातों का जिक्र फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को हुक्म दिया चल जाने का और निकल जाने का। फअतबअहुम फिरौन व जुनूदा, तो फिरौन और उनके लश्कर ने उनका पीछा किया, उनका ताअक्कुब किया। फगशियहुम मिन अल-यम्मि मा गशियहुम, फिर उन सब पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है उन सब को डुबो दिया और जो है छा जाने वाली उन सब पर छा गई। वअज़ल्ला फिरौन क़ौमहु वमा हदा, फिरौन और उसकी कौम गुमराही में डाल दिया और सीधा रास्ता न दिखाया फिरौन ने उसकी कौम को। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ताहा में भी इसी बात को बयान किया। फिर सूरह दुखान आयत नंबर 17 से 33 में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हीं तमाम बातों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है इन्हीं बातों का जिक्र करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वतरुकिल बहर रहवा, सूरह दुखान आयत नंबर 24 में, इन्नहुम जुंदुम मुग़रकून, तो दरिया साकिन छोड़कर चला जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा को हुक्म दिया कि तू दरिया को ऐसे ही छोड़कर चला जा, यकीनन ये लश्कर गर्क हो जाएगा। और जैसे ही हजरत मूसा वो पार हुए, फिरौन और उसका लश्कर उसी रास्ते से देख करके कि मैंने तो कभी यहाँ पर रास्ता बनाया नहीं था। अहले इल्म ने लिखा है कि फिरौन परेशान हो गया था ये देख करके कि मैंने तो कभी यहाँ पर रास्ता बनाया नहीं और समंदर पर समंदर के जरिए से रास्ता बन गया, ये कैसा रास्ता है। लिहाजा उसकी कौम और जो है फिरौन पार करने लगे, अल्लाह ताला ने उन लोगों को डुबो दिया, हलाक व बर्कबाद कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया फमा बकत عليهم السماء والارض وما كانوا منذرين, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया सो उन पर ना तो आसमान रोया ना जमीन रोई और ना ही उन्हें मोहलत दी गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन और उसके लश्कर को ऐसे तबाह व बर्बाद कर दिया कि उसकी तबाही और बर्बादी पर किसी ने अफसोस नहीं किया, किसी को उस पर अफसोस नहीं हुआ। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन जो कहता था ना अना रब्बुकुमुल आला, जितना गुरूर, जितना घमंड, जितना किब्र उसके अंदर था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो सब चकनाचूर कर दिया। और जब देखा कि उसकी कौम डूब रही है, फिरौन ने जब देखा कि उसकी कौम डूब रही है, वो भी डूबने की हालत पर है, वो भी डूबने की कगार पर है, बचने का कोई रास्ता नहीं, बचना मुमकिन ही नहीं है, ऐसी सूरत में क्या किया पता है? अपने किब्र और गुरूर को साइड में रखा, अपने दावे जो है रब को साइड में रखा, अना रब्बुकुमुल आला के दावे को साइड में रखा और कहने लगा कि मैं अब ईमान लाता हूं। अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस आयत नंबर 90 और 92 में इसके इस कौल को नकल करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया वजा वजना भी बनी इसराइल अलबहर फात बाहुम फिरौन व जुनूदा, कि हमने बनी इसराइल को दरिया पार करा दिया और फिर उनके पीछे पीछे फिरौन और उसके लश्कर के साथ जो जुल्म और ज्यादती का इरादे से चला, यहाँ तक के जब डूबने लगे तो कहने लगा, अल्लाह ताला ने फरमाया हत्ता इदा अदरकहुल गर्क, और जब डूबने लगा तो कहने लगा क़ाल आमंतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनू इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाहु अकबर। देखिए जो गुरूर था, जो किब्र था, जो घमंड था, सब निकल गया एक ही झटके में और कहने लगा कि मैं ईमान लाता हूँ उस रब पर जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, और मैं जो है बनो इसराइल, मैं उस रब पर ईमान लाता हूँ जिस पर बनो इसराइल ईमान लाए, वह अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में से हो जाता हूँ, मैं मुसलमानों में से हो जाता हूँ। अल्लाह ताला ने आयत नंबर 91 में फरमाया आल आना वक़द आसैता क़ब्ल व कुंता मिनल मुफ्सिदीन, कि अब तू ईमान लाता है जबकि इससे पहले तू मुफ्सिद था,
इससे पहले तू फासिख था, अना रब्बुकुमुल आला का दावा करता था, अपने ऊपर किसी को नहीं समझता था, अब तू ईमान लाता है, लिहाजा फिरौन के ईमान लाने, फिरौन का ईमान लाना उसे कोई फायदा नहीं दिया, फिरौन का ईमान लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला ने फरमाया फलयौम नुजज्जी का बिबदनी कलितुकुन लिमन खल्फक आया, सो आज हम सिर्फ तेरी लाश को नजात देंगे, यानी तुझे सिर्फ और सिर्फ हम मौत देंगे और तेरे तुझे निशाना इबरत बना देंगे लोगों के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुझे निशाना इबरत हम बना देंगे, ताकि हकीकत यह है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह किया। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बाद आयत नंबर 91 में फरमाया फलयौमा नुनज्जीक बिबदनिक लितकून लिमन खल्फक आया व इन्ना कसीरन मिनन्नास अन आयातिना लगाफिलून। अल्लाह ताला ने फिरौन से कहा कि आज हम सिर्फ तेरी मौत को नजात देंगे, तेरी लाश को नजात देंगे हम, हाँ यानी तुझे सिर्फ मौत तुझे देंगे और तुझे रहती दुनिया तक के लिए इबरत का निशान बना देंगे, बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल है, लिहाजा तुझे देख करके वह इबरत हासिल करेंगे, तुझे देख करके वह नसीहत हासिल करेंगे। जाइए इजिप्ट, जाइए मिस्र, और जाकर के आज भी देखिए कैसे वो फिरौन की लाश वहां के म्यूजियम में पड़ी है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस फिरौन को रहती दुनिया तक के लिए निशाने इबरत बना लिया, कयामत तक के आने वाले लोग उसे देखेंगे, उससे इबरतें हासिल करेंगे, उससे नसीहतें हासिल करेंगे। उसे किसी चीज ने कबूल ना किया, उसे ना आग ने कबूल किया, ना जमीन ने कबूल किया, ना पानी ने कबूल किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस फिरौन को जिसके अंदर किब्र था, गुरूर था, घमंड था, अपने आप को रब कहने का दावा करता था, अल्लाह ताला ने उसे लोगों के लिए निशाना इबरत बना दिया, और जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको उसी तरह बाकी रखा। लिहाजा अजीज भाइयों, यहां पर फिरौन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तबाह व बर्बाद कर दिया, फिरौन को हलाक कर दिया, और फिरौन का मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम कर दिया। यहां पर हजरत मूसा और फिरौन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और बनी इसराइल को फिरौन और उसके लश्कर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नजात अता फरमाई। और वो दिन कौन सा था? वो दिन जैसे कि मैं और आप जानते हैं 10 मुहर्रम का दिन था, जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे, आपको, हम तमाम को रोज़ा रखने का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना आए, आपने देखा कि मदीना के लोग रोज़ा रखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि 10 मुहर्रम को तुम किस चीज़ का रोज़ा रखते हो? यहूद ने कहा कि हम इसलिए रोज़ा रखते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन और उसके लश्कर से इसी दिन नजात दी थी। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम तो ज़्यादा हकदार हैं इस बात के कि हम रोज़ा रखें। लिहाजा अल्लाह के नबी ने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा, और फिर आपने इरादा किया कि अगर मैं लइन अकी लइन बकीतु यौ लइन बकीतु लअसूमन तासिह, आपने फरमाया कि अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो मैं 9 और 10 दो दिन रोजा रखूंगा। लिहाजा मैं, मुझे और आपको, हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को रोजा रखें, इस खुशी में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत मूसा को फिरौन और उसके लश्कर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नजात अता फरमाई थी। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को फिरौन और फिरौनियों से अल्लाह ताला ने नजात अता फरमा दी। अब इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनो इसराइल के हालात को किस तरह से दुरुस्त किया, किस तरह से बेहतर किया? देखिए, ईमान तो ला लिया लेकिन उसमें साबित कदम उस तरह से नहीं रह पाए, और चूंकि उनके अंदर गुलामी का बीज था, और उनके अंदर जो है शिर्क और कुफ्र का बीज था, लिहाजा वो जब जब मौका मिलता वो जाहिर होता रहता। अभी यहां से हम देखेंगे कि इसके बाद भी कितने खराब हालात रहे। इन्होंने माबूद बनाए जाने की दुआ की, माबूद बनाए जाने का मुतालबा हजरत मूसा से किया, इसी तरह इन लोगों ने बछड़े की इबादत करना शुरू कर दी, इसी तरह से कितनी चीज़ें इन लोगों ने की, इंशाल्लाह इसका जिक्र बितरतीब इंशाल्लाह हम लोग आगे करेंगे, चूंकि हमारा वक्त हो चुका है, मज़ीद हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लिहाजा नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। मैंने आज यहाँ तक बयान किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसे फ़िरौन को और उसके कौम को गर्क कर दिया, मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़िरौन के जुल्म और जबर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नजात अता फरमाई, और जो है इन लोगों को ज़मीन का वारिस बना दिया बनी इसराइल को। अब इसके बाद फिर इन लोगों ने और क्या क्या किया, और किस तरह से सरकशियाँ की, और किस तरह से इन लोगों के अंदर बुराई आई, और कैसे फिर इन सब का मामला हुआ, ये इंशाल्लाह आगे के दुरुस्त में हम लोग देखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों को सुनने, समझने और इन बातों पर अमल करने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते हमारी मुलाकात होगी कुछ और बातों के साथ, इंशाल्लाह तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।